गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, ओके, लैटिस एनर्जी। अगर हम बात करें लैटिस एनर्जी की कि व्हाट इज़ द लैटिस एनर्जी, पहली बात तो ये कि लैटिस एनर्जी एक रिलीज एनर्जी है। द एनर्जी रिलीज्ड, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ आयनिक सॉलिड, व्हेन वन मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस आयन। ओके, जैसे हमारे पास आइसोलेटेड गैसियस आयन में M प्लस गैसियस इज कम्बाइंड विद X माइनस गैसियस। यहाँ पे ये पॉजिटिव और निगेटिव आपस में कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद ये क्या बना लेंगे, एम एक्स सॉलिड। तो किसी भी सॉलिड के एक मोल को उसके आइसोलेटेड गैसियस फ्री आयन से बनाने में जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट रिलीज एनर्जी इज नोन एज लैटिस एनर्जी। मीन्स आप अगर यहाँ पे बात करें तो लैटिस एनर्जी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कर रहा हूँ बेटे, लैटिस एनर्जी एक रिलीज एनर्जी है। ओके, तो अगर लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, यहाँ पे देख लीजिए, अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी देन रिलीज एनर्जी इज़ मोर। अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो रिलीज एनर्जी भी क्या होगी बच्चों, ज़्यादा। और अगर रिलीज एनर्जी ज़्यादा है तो सिस्टम का एनर्जी कंटेंट कैसा होगा, सिस्टम का एनर्जी कंटेंट लेस होगा। और अगर एनर्जी कंटेंट ऑफ सिस्टम लेस है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी होगी मोर। यानी लैटिस एनर्जी की अगर बात करोगे तो लैटिस एनर्जी एक तरह की रिलीज एनर्जी है। और अगर लैटिस एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कि रिलीज एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। और अगर कहीं से एनर्जी रिलीज हो गई तो उस सिस्टम का एनर्जी कंटेंट लेस हो जाएगा, तो सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी। तो अगर कभी आपसे कोई बोल रहा है कि सर गैस से सॉलिड बन रहा है, गैस कन्वर्ट हो रही है किसमें, सॉलिड में, इफ़ गैस इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड देन एनर्जी इज रिलीज्ड। अगर कोई भी पूछे आपसे तो बोल दो कि गैस अगर सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो एनर्जी रिलीज होगी। ओके, गैस अगर सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो एनर्जी क्या होगी बच्चों, तो एनर्जी रिलीज होगी। नेक्स्ट है फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बनने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, सबसे पहली एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो ये जितनी लेस होगी उतनी ही अच्छी है।
क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो एब्जॉर्ब होती है, और एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो सिस्टम का एनर्जी कंटेंट बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। इसीलिए फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड में आयोनाइजेशन एनर्जी लेस होनी चाहिए, जितना कम से कम एब्जॉर्ब हो उतना ही अच्छा है, लेस होनी चाहिए। नेक्स्ट दूसरी है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये मोर होनी चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है बताइए? रिलीज एनर्जी है। थर्ड है लैटिस एनर्जी, थर्ड हमारे पास है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी मोर होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी मोर होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए, कल मैंने बताया था आज फिर बता रहा हूँ, आयोनिक बॉन्ड को बनाने के लिए तीन तरह की एनर्जी हम यूज़ में लेते हैं। एक है आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा है, दूसरी कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और तीसरी कौन सी है? लैटिस एनर्जी। ठीक है, ये दो एनर्जी जो हैं ये रिलीज़ होती हैं, ये रिलीज़ होती हैं, ये रिलीज़ होती हैं। रिलीज़ होती होंगी तो सिस्टम का एनर्जी कंटेंट कम होता होगा, और एनर्जी कंटेंट अगर कम हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ती होगी। इसीलिए ये दोनों जितनी ज़्यादा हों उतनी ही अच्छी हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लैटिस एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी लेस हो, आयोनाइजेशन एनर्जी ये एक तरह की एब्जॉर्ब एनर्जी है। आयोनाइजेशन एनर्जी एक तरह की एब्जॉर्ब एनर्जी है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, दैट इज़ अ टाइप ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी, ये जितनी कम हो उतनी अच्छी है। इसीलिए मैंने बोला आयोनाइजेशन एनर्जी लेस होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी मोर होनी चाहिए। लेस, मोर, मोर, ये है फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो आज के बाद आपसे मार्केट में कोई पूछे कि एक बेटर आयनिक बॉन्ड बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए, फॉर अ प्रिपरेशन ऑफ बेटर आयनिक बॉन्ड, फॉर अ प्रिपरेशन ऑफ बेटर आयनिक बॉन्ड, तो इसका स्कोप क्या है केमिस्ट्री में? अगर आप एक अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का लेस कर दो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मोर कर दो, लैटिस एनर्जी को मोर कर दो। ये है स्कोप हमारे पास बेटर आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन का। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास न्यू है, नया है, डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, एल ई यहाँ पे स्टैंड कर रहा है लैटिस एनर्जी को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बोलें देर इज नो डायरेक्ट मैथड टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी, देर इज नो डायरेक्ट मैथड टू डिटर्मिनेट या कैलकुलेट, देर इज नो डायरेक्ट मैथड, देर इज नो डायरेक्ट मैथड टू डिटर्मिनेट लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को डिटर्मिनेट करने का या उसके डिटर्मिनेशन का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, देयर इज नो डायरेक्ट मेथड टू डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाई बॉर्न हैबर साइकिल BHC, इट कैन बी कैलकुलेट बाई बॉर्न हैबर साइकिल। लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने का कोई डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है। हम लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं बॉर्न हैबर साइकिल से। किससे करते हैं बेटा? बॉर्न हैबर साइकिल से। अब हम लोग आज पढ़ेंगे आज की डेट में कि बॉर्न हैबर साइकिल क्या होता है और बॉर्न हैबर साइकिल से हम किस तरह से लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं।
लेकिन उसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा वर्ड है, एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो पढ़ना बहुत मस्ट है, नहीं तो लगेगा कि ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। तो पहले हम उस टॉपिक को पढ़ लें, हेडिंग यही रहेगी, उसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, उसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है। एक तो हमने पढ़ा लैटिस एनर्जी, एक छोटा सा टॉपिक है हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन ठीक है, क्या है बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? किसी भी कंपाउंड के एक मोल को बनाने में जो भी एंथैल्पी में चेंज हुआ है उसके मोस्ट स्टेबल फॉर्म से उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन को हम शो करते हैं डेल्टा एच एफ से। तो यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी जिस जिसको समझ में ना आ रहा हो यहाँ पे लिख सकता है एनर्जी, क्योंकि एंथैल्पी और आगे पढ़ाया जाएगा आपको। चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ, चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ, ये डेफिनेशन पढ़ लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वन मोल from its most stable elemental form, तो क्या पढ़ा बच्चों आपने? Change in enthalpy during formation of one mole from its most stable elemental form है बेटा, formation नहीं है sorry, from its most stable elemental form। okay, जैसे हमें बनाना है water, तो water के एक mole को बनाने में, और वाटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? वाटर मिलकर बना है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन की एलिमेंटल फॉर्म H2 गैस प्लस ऑक्सीजन 1/2 O2। तो एक मोल किसी भी कंपाउंड के एक मोल को बनाने में उसके मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म से, किसी भी कंपाउंड के एक मोल को बनाने में उसके मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म से जो भी एंथैल्पी में चेंज हुआ उसे ही बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, या इसे बोलते हैं डेल्टा एच एफ। क्या बोलते हैं बच्चों? डेल्टा एच एफ ठीक है। जैसे हमने CO2 बना दिया एक मोल CO2, तो कार्बन क्या होगा? कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन सॉलिड होता है, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस। तो एक मोल कार्बन ग्रेफाइट और एक मोल ऑक्सीजन गैस से बनाने में जो एनर्जी में चेंज आएगा, एंथैल्पी में चेंज आएगा, उसे क्या बोलेंगे? एंथैल्पी का चेंज या हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, तो उसे सिंपल बोल दो किसी भी कंपाउंड के एक मोल को बनाने में उसके मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म से जो भी एंथैल्पी में चेंज हुआ उसी एंथैल्पी चेंज को हम बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच एफ से। किससे करते हैं रिप्रेजेंट? डेल्टा एच एफ से करते हैं रिप्रेजेंट। ओके, तो ये डेफिनेशन आप लोग उतार लेंगे, चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वन मोल फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म। ओके, अब अगर हमें सोडियम क्लोराइड के बारे में बताया जाए कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के बारे में बात की जाए, सर सोडियम क्लोराइड की बात की जाए कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, सोडियम
सोडियम क्लोराइड सॉलिड। तो ये कैसे बना होगा, सोडियम से और Cl से, तो ये बना होगा सोडियम सॉलिड से प्लस हाफ Cl2 गैस से। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये पूरा का पूरा ये बना है सोडियम सॉलिड से प्लस हाफ Cl2 गैस से। ओके, एक मोल आयनिक सॉलिड है, वन मोल आयनिक सॉलिड है और बना है अपने मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म से। NaCl में एक है Na, दूसरा है Cl। Na की मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है Na सॉलिड, Cl की मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है Cl2 गैस। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक Cl है इसीलिए हाफ किया गया, ये 2 से 2 कैंसिल, एक Cl बचेगा, एक Na। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में जो भी एनर्जी का चेंज हो रहा है उसे बोलेंगे डेल्टा HF, बिकॉज एक मोल NaCl को बनाने की बात चल रही है और जब NaCl के मोल एक होंगे उस समय एंथैल्पी का चेंज जो भी होगा, दैट चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा HF। ओके, तो सबसे पहले हम बच्चों बात करेंगे Na सॉलिड की। सबसे पहले हम Na सॉलिड को चेंज करेंगे Na गैस में। सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है, दैट इज सबलीमेशन। कौन सा है ये प्रोसेस, सबलीमेशन। और सबलीमेशन की जो एनर्जी होती है प्यारे बच्चों ये एब्जॉर्ब्ड होती है। सबलीमेशन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ठीक, अब जरा गौर से देखना बेटा इसे, ये Cl है, ये Cl है, ये बॉन्ड है। ठीक है, बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, BDE। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं D, डिसोसिएशन एनर्जी। तो एक बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगी D, तो अगर इसके पहले 1/2 है तो ये भी कितना हो जाएगा, D/2। तो यहाँ पे Cl2 है, Cl2 यानी ये Cl, ये Cl, इसको तोड़ने में एनर्जी लगी D, तो हाफ को लगी D/2। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट Cl गैस बन जाएगा और यहाँ पे जो एनर्जी लगी वो लगी कितनी बेटा, D/2। कितनी लगी बच्चों, ये एनर्जी कितनी लगी, D/2 Cl गैस। फिर Na गैस से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और कल मैंने बताया किसी भी कंपाउंड के आउटर मोस्ट या किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट पोर्शन से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है, दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो Na गैस को मैंने बना दिया Na+, और इसके दौरान जो एनर्जी लगी दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला वही इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया कि तुम ले लो, तो ये बन गया, ये गैस हो जाएगा, ये हो गया बेटा Cl-, और यहाँ पे जो एनर्जी लगी दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, फिर Na सॉलिड, Na गैस प्लस Cl गैस माइनस, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद क्या बना देंगे, NaCl सॉलिड। तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी लगी जो कि क्या हो जाएगी, रिलीज्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे क्या होगी, ये भी रिलीज होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम डेल्टा HF लिखें तो डेल्टा HF की वैल्यू इन दोनों की एनर्जी जो लगी हैं इनके बराबर होगी। इसी को बोलते हैं BHC, बॉर्न हैबर साइकिल। पहले Na सॉलिड से Na गैस बनाया, एक एक स्टेप समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए, पहले Na सॉलिड से Na गैस बनाया, इसे बोलते हैं सबलिमेशन, ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। Na गैस से Na+ गैस बनाया,
एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, इसमें जो एनर्जी लगती है आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी एब्जॉर्ब होगी, ये भी क्या होगी बच्चों, ये भी एब्जॉर्ब होगी, ओके। और फिर यहाँ पे देखिए Cl2 गैस से मैंने क्या बनाया, Cl बनाया, तो ये कौन सी एनर्जी है, ये है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक। रिलीज एनर्जी में ये हैं और ये हैं, और सारी के सारी एनर्जी जो होंगी वो क्या होंगी, एब्जॉर्ब होंगी। तो यहाँ से डेल्टा एच एफ की जो वैल्यू है, डेल्टा एच एफ इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, सबसे पहला जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है सब्लिमेशन की एनर्जी, फिर आयोनाइजेशन की एनर्जी, एस फॉर सब्लिमेशन, ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है सब्लिमेशन, फिर कौन सी एब्जॉर्ब हो रही है, आई, फिर डी बाई टू, रिलीज कौन सी हो रही है, रिलीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये रिलीज हो रही है माइनस, फिर रिलीज हो रही है लैटिस एनर्जी। तो अगर आपको कोई डेल्टा एच एफ दे दे तो आप लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को हम कहीं और नहीं देख सकते हैं, सिर्फ देखेंगे कहाँ पे, बॉर्न हैबर साइकिल में, कहाँ पे देखेंगे बेटा, बॉर्न हैबर साइकिल में, इस इक्वेशन को हम कहीं और नहीं देख सकते। दिस इक्वेशन इज वॉच ओनली एट बॉर्न हैबर साइकिल, कहाँ पे देखेंगे बच्चों, बॉर्न हैबर साइकिल में, ओके। नेक्स्ट है सेटअप फॉर द, सेटअप फॉर द एमजीओ, सेटअप बॉर्न हैबर साइकिल, सेटअप बॉर्न हैबर साइकिल फॉर एमजीओ, फॉर एम जी ओ, सेटअप द बॉर्न हैबर साइकिल फॉर एम जी ओ। एम जी ओ को हम बनाएंगे, एम जी ओ तो एक कैसा है, सॉलिड है, और ये कैसे बना होगा, ये बनता है एम जी से, मैग्नीशियम से, ये बनेगा मैग्नीशियम सॉलिड प्लस वन बाई टू ओ टू। अब जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे यहाँ से बना के लाएंगे, Mg सॉलिड को पहले Mg गैस में चेंज करवाएंगे, फिर Mg गैस से एक इलेक्ट्रॉन निकलवाएंगे Mg प्लस, और फिर दूसरा निकालेंगे Mg प्लस टू, हाफ O2 को तोड़ेंगे, डिसोसिएशन एनर्जी आएगी, इसके बाद इसमें एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे O माइनस, फिर एक और इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे O माइनस टू, और फिर इसको बनाएंगे। तो ये वाला सेटअप है हमारा, सेटअप बॉर्न हैबर साइकिल फॉर MgO, ये हमारे वहाँ है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके वहाँ, क्वेश्चन आस्क इन नीट एंड जेई एग्जामिनेशन, नीट एंड जेई एग्जामिनेशन, दिस इज द क्वेश्चंस ऑफ द डे। आज के डे का ये क्वेश्चन है, आप लोग बहुत सही से करें इसको। इसके लिए बॉर्न हैबर साइकिल किस तरह की होगी, कल हमने कमेंट करके बताएं, मैसेज करके बताएं, और जिन बच्चों को नहीं आ रही होगी कल मैं उन लोगों के लिए इसके लिए बॉर्न हैबर साइकिल सिखाऊंगा, ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू।